कल को आसान बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कल को आसान बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। करते स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आ चुके हैं लेकर आपके लिए सॉल्यूशन वाली वीडियो। तो 26 तारीख को जो आपको मैंने होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन वीडियो ये है। तो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एक एपी है, आपको क्वेश्चन मिलता है शॉर्ट वीडियो के जरिए और जो उसका सॉल्यूशन होता है दो तीन दिन बाद, चार दिन बाद आपके लिए आता है अगर आपको ना पता हो। तो बाकी 26 तारीख का जो सॉल्यूशन वीडियो था उसकी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बाकी यहाँ पर आपको एक एपी दिया हुआ है, 17 34 51 डैश। अभी आपका समांतर श्रेणी चल रहा है तो उसी के क्वेश्चन सिर्फ आपको मिलने वाले हैं, एक बात आप याद रखना। तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि मतलब आपका उस पर बिल्कुल पकड़ बन जाए, ये बात आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन कराऊंगा जितने आपने सोचे भी नहीं होगी, ये बात आपको याद रखना है। तो बाकी करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको एक एपी दिया हुआ था, यहाँ पर आपको एन का मान दिया हुआ है 10 और एन आपको निकालना है और ऐसे निकालना है। तो आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, जिसने नहीं करा, जिसने मक्कारी करा ना, जो ये मक्कारी कर रहे हैं भाई, बचो इससे। जो होमवर्क देता उसको करा करो, मक्कारी करने से क्या होगा, नहीं करना मतलब क्या है, करो भाई, 5 मिनट लगता है सिर्फ करने में। कर लिया करो जो होमवर्क देता हूँ आपको, ठीक है। आखिर आपको उसको सॉल्यूशन वीडियो मिलती है, माने नहीं यार तो नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, करो तो सही कम से कम ट्राई। नहीं आ रहा तो मत आए, एक वीडियो से करो, दूसरी वीडियो से करो, तीसरी में सीख जाओगे, क्या पता। ट्राई तो करना बनता है ना, ट्राई क्या करा करो कम से। चलो पहले आपके लिए फॉर्मुला रिवाइज करवाता हूँ, मैं फॉर्मुला भूल चुके होगे तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपके लिए फॉर्मुला रिवाइज करवा रहा हूँ। और फॉर्मुला बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओनली 3 फॉर्मुले इस चैप्टर में है सिर्फ, और 3 फॉर्मुले ही याद करने हैं आप। तो पहला फॉर्मुला क्या था मेरे साथ बोलो जल्दी से, एन छोटे में ए प्लस में एन माइनस वन डी। ए एन और डी क्या होता है, ये तो कोई बच्चा नहीं पूछ रहा ना, कि अब यही बताना पड़ेगा, इतने दिन से देख के आ रहे हो फिर। तो बाकी ये होता है प्रथम पद, ये होता है सार्वंतर, और ये होता है पद, और ये एनवा पद है आपका, ठीक है। बाकी बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, वैसे ही बताते चलता हूँ मैं, ठीक है। और एसएन, एसएन मींस सम, सम निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है, एन बाय टू ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस वन डी हो गया आपका। तो सम निकालने का फॉर्मूला आपका होता है एसएन इज इक्वल टू में एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस में एन माइनस वन डी होता है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका एक और भाई है, जहाँ पर डी का मान यूज नहीं होता। सपोज आपको डी का मान नहीं दिया और आपको एन दे रखा है उसकी जगह, तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो उसका फॉर्मूला कौन सा, ये रहा एसएन इज इक्वल टू में एन बाय टू ब्रैकेट में ए प्लस में ए एन। और ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले को याद कर लो, अगर आपने फॉर्मूले पे ग्रिप बना लिया ना, फॉर्मूले पकड़ बना लिया, तो आपका आधा मैथ तो ऐसे ही आपको आ जाएगा। तो बाकी आपको याद रखना है फॉर्मूले पूरा चलता है, पूरा मैथ। चलो करते हैं स्टार्ट। बाकी यहाँ से पहले हम निकालेंगे ए का मान, तो ए का मान तो पता क्या होगा आपका, जो पहला होता है यानी प्रथम पद, तो ए का मान आपका आ चुका है 17। फिर डी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालने के लिए आपको पहले ए टू लिखना होगा, एकदम स्टेप बाई चलना है आपको, तभी सही आंसर आएगा। यहाँ पर छोटे नंबर लिखे हुए हैं, अब जब बड़े नंबर आएंगे तब कैसे करोगे, तब तो आपको करना पड़ेगा ना स्टेप बाइज। तो पहले स्टेप से चला करो बिल्कुल, ये नहीं कि डायरेक्ट कर लोगे, लिखने के नंबर मिलते हैं, स्टेप के नंबर मिलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ए टू आपका 34 है यानी दूसरा पद, और ए थ्री कितना है आपका 51 यानी 51। तो डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन या फिर ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ए टू कितना है भैया, 34 है, 34 यहाँ रख देंगे, माइनस में 17 रख देंगे, यहाँ पर घटाने भी कितना आ चुका है 17। तो डी का मान आपका आ चुका है कितना 17। अब डी का मान निकल चुका है आपको, ए का मान ही मिल चुका है, अब आप कोई सा ही पद निकाल सकते हो। पर यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, सिर्फ 10वां पद ही पूछा है, तो आप सिर्फ 10वां पद ही निकालो, कुछ एक्स्ट्रा निकालने जरूरत नहीं है आपको, जितना क्वेश्चन में बोला जा रहा है उतना ही निकालो। अब ए 10 निकालने के आपको मैंने सिंपल तरीका बताया था कि अगर यहाँ 10 लिखा हो तो उससे कम ले लो, यानी कि ए प्लस में 10 से कम क्या होता है 9 होता है, तो 90 यहाँ पर आपका हो जाएगा। बाकी सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का मान आपका 17 है, ठीक रख दिया, 9 इंटू में डी का मान कितना है भैया 17 है, 17 यहाँ पर रख दो, ओके। तो 17 प्लस में सॉल्व करने तो आता है ना, अब कि सॉल्व करो बहुत ईजी है, ठीक है। तो 9 से गुणा कर दो, 17 9 कितना होता है जल्दी बताओ, पहाड़े याद ही नहीं आते, पहाड़े याद कर लो भाई, ठीक है। तो 17 को 9 से गुणा करना आपको कितना आ जाएगा आपका 153 आ जाएगा आपका, ठीक है। 9 7 3 8 3 6 और 9 1 9 और 6 15, नहीं पहाड़े आ तो गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 17 में 153 प्लस कर देंगे, कितना आ गया आपका आंसर 170। बाकी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं इतनी छोटी बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा नहीं, पर बताते चलता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं फिर कमेंट आते हैं कि भैया बेसिक से नहीं करवाते हो, भाई बेसिक से करवाना, इससे बेसिक क्या करूँगा आपको मैं, हैं क्या करूँगा इससे बेसिक, ये बेसिक नहीं तो क्या है, बेसिक करो। तो एसएन हम निकालना है, ठीक है, एसएन एन की रखना है आपको 10, तो 10 यहाँ पर रख दो आप। और एन का मान कितना है, अब तो कौन से फॉर्मूले से निकालना है, यहाँ पर आपको एन का मान ही पता है, आपको डी का मान ही पता है। तो सबसे मेरा जो सुझाव आपके लिए है वो ये है कि आप यहाँ फॉर्मूला यूज करो, सबसे बेस्ट है, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा मान पुट करो, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो एन का मान आपका 10 है बटे में 2 ब्रैकेट में, ए का मान कितना है 17 है, 17 रख दो यहाँ पर, प्लस में एन का मान कितना निकाला आपने 170, तो 170 यहाँ पर रख दोगे, इस तरीके से रख दिया।
अब दो से इसको काट दो, कितना आ गया 5 आ चुका है, इंटू में 17 प्लस में 170 कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 187। और 187 से 5 को कर देना है मल्टीप्लाई और आपका आंसर निकल जाएगा। तो 5 7 35 का 5 8 3 हो गया, 5 8 40 3 3 8 4 हो गया, 5 5 और 4 9 हो गया आपका, ठीक है। तो 935 आपका आंसर आ चुका है। तो S10 कितना आ गया 935 और यही आपका आंसर है। तो बाकी इसी के साथ आपका याला जो सॉल्यूशन की वीडियो था खत्म होता है, मतलब सिर्फ इसमें इतना ही था। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने भी कर लिया है जिसका भी आंसर सही आया था मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप ये मेरा सही आंसर आया था, मेरा यही आंसर आया था, तो बाकी मैं कमेंट आपकी चेक करता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।